पहले दोस्तों आपको बता दें कि बिग बॉस 14 का प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुआ था 3:24 पे, जबकि टाइम था 3 बजे का, थोड़ा सा लेट हो गया था। एनीवेज आपको बता दें, सिद्धार्थ शुक्ला लाइव वीडियो के दौरान सलमान खान से कम उन्होंने 5 क्वेश्चनिंग की। वैसे सलमान खान ने तो गौहर खान, हिना खान और सिद्धार्थ शुक्ला से क्वेश्चनिंग तो की ही की, उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला ने भी सलमान खान जी से बहुत सारी क्वेश्चनिंग की। मैंने पहला क्वेश्चन किया कि सर, ये बिग बॉस 14 क्या बिग बॉस 13 को पीछे छोड़ पाएगा, या आने वाले जितने भी सीजन थे सबको पीछे छोड़ पाएगा? तो सलमान खान ने कहा कि आने वाला वो तो वक्त ही बताएगा कि सीजन पलटने के बाद कितना लोग इससे एंटरटेन हो पाते हैं। वहीं सिद्धार्थ शुक्ला ने क्वेश्चनिंग की, क्या बिग बॉस 13 में कंटेस्टेंट ने जिस तरह से कमाल और धमाल और एंटरटेन किया था दर्शकों को, क्या बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट भी ऐसा कर पाएंगे या टीआरपी में उछाल ला पाएंगे? तो वहीं पे सलमान खान ने सिद्धार्थ, शहनाज और मधुरिमा और विशाल और बाकी के सारे बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट की तारीफ करते हुए कहा कि बिग बॉस 13 सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से, यानी कि सिद्धार्थ और शहनाज और मधुरिमा और जितने भी कंटेस्टेंट थे बिग बॉस 13 के, आसिम रियाज, हिमांशी खुराना, बाकी जितने भी कंटेस्टेंट थे सबका नाम लेते हुए सलमान खान ने कहा, ये क्रेडिट जाता है आप लोगों को, जिसकी वजह से बिग बॉस 13 काफ़ी एंटरटेनिंग रहा। अब देखना ये काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि बिग बॉस 14 भी एंटरटेनिंग होता है कि नहीं। वेल, हर लेटेस्ट अपडेट के लिए साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ वाला बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मैं पूजा फिर से मिलती हूँ नए दिलचस्प और चटपटी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।